हाय यूट्यूब फैमिली, मैं सोनी कुशवाहा सोनी जय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब बताओ, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू लच्छा पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाते हैं आइए आपको हम दिखाते हैं। एक कप आटा लिया है, चला नहीं मिठा। एक कप मैंने मैदा लिया है, दिखना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें शुगर यानी चीनी। अब इसको हम अच्छे से सब दोनों आटा और मैदा दोनों मिलाएंगे। और ये मैंने गर्म पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा करके ठंडा पानी। इसको हम नटाई, इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे बढ़िया से। नटाई पड़ेगा ना नरम रहेगा मीडियम में। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मसाज कर लेंगे आटे और घी के साथ। ये मेरा आटे और मैदे का डोर बन के तैयार हो गया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रखें। मैंने ये पेपर लिया है, इसको हम अच्छे से इसी से ढक के हम रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। ये मैंने साबुत धनिया डाला तवे पे भुनने के लिए। ये मैं आलू में डालेंगे, ये मसाले मैं आलू में डालूंगी। और ये मैंने जीरा लिया थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया, ये 10-12 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, और ये मैंने लाल मिर्च लिए हैं। इन सारे चीज़ को मैं अच्छे से रोस्ट कर दूँगी, इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे सारे मिक्सर को। अब इन सारे मिक्सर को हम मिक्सर में अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। मैंने 6 आलू लिए हैं, ये मसाला जो मैंने पीसा था, जो मैंने भून के पीस लिया था, ये थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। अब इस सारे मिक्सर को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, ये मैं अच्छे से मसल लूंगी। ये मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला, मैं भूल गई थी, मैंने अभी प्याज डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे सारे मिक्सर को। मैंने थोड़ा सा हरा मिर्च भी डाला है। और ये मेरा आलू का डोर बन के रेडी हो गया है, अब इसे हम रख देंगे। मैं आलू लच्छा पराठा के साथ मैं आलू की मसालेदार सब्ज़ी बनाऊंगी। ये मैंने 5 आलू लिए हैं, 2 मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर है, और ये मसाला जो मैंने भुना हुआ था आलू लच्छा पराठा के लिए जो मैंने डाला था वो मसाला इसमें से बचा है वो मैं डालूंगी। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया था। पहले मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी टमाटर वाली। मैंने कढ़ाई रख दिया गैस पे, कढ़ाई को गर्म करने के लिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया गर्म होने के। मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी, थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, मैं इसमें 4 हरी मिर्ची डालूँ जो मैंने बीच में कट कर लिया था, और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा प्याज जो मैंने प्याज कटा था, 2 प्याज है, साथ में मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो जाने तक। थोड़ा सा हम देसी घी डालेंगे, मेरा प्याज भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक। हमारा प्याज टमाटर अच्छे से गल गया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैं डालूंगी ये मसाला जो मैंने भून के रखा है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे। तेल हमारा छोड़ दिया है मसाले में। ये आलू को हम ऐसे हाथ से ही फोड़ लेंगे अच्छे से, और ये मैंने मसाले के साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैं थोड़ा सा नमक टमाटर के साथ डाला था, और मैं अब थोड़ा सा डाली अपने टेस्ट के अनुसार मैं डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर में देसी घी डाली है, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ये हमारा तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। मुझे जितना पानी चाहिए मैं उतना मैं पानी डाल रही हूँ।
ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। मैंने ढक के रख दिया है और 2 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ये हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है लच्छा पराठा बनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। हम गैस को बंद कर देंगे। धनिया नहीं था इसीलिए मैंने धनिया नहीं डाला ऊपर से। अब चलिए हम लच्छा आलू पराठा स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और ये मैंने इसमें घी लिया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं जा रही हूँ जीरा राइस बनाने और मैंने कुकर रख दिया है। मैं रात का डिनर बना रही हूँ साथ में। सब सोचा मैंने साथ में सब मैं बना दूँ और मैं आपको दिखा भी दूँ। इसमें मैं डालती हूँ देसी घी। अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। ये मेरा राइस है, मैंने 1.5 गिलास लिया है और मैंने धो लिया है। अब इसको मैं डाल, ये मैंने डाल दिया है चावल और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। ये मेरा चावल भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने इसमें मैंने चावल लिया था इसी के मैंने अनुसार मैंने पानी इसमें डाल दिया। मैंने पानी डाल दिया और मैंने इतना पानी मैंने डाला है। कुकर को ढक दिया है और कम से कम मैं 2 सीटी तक इसे रखूंगी गैस पे। मैं आटे को 2 भागों में काट दिया है। मैं ऐसे अब कर मैं ऐसे कर लिया। उसके बाद मैं इसको अच्छे से बेल लेंगे चौड़े में। गोल बेलना है कोई बात नहीं, चौड़े में बेलो या गोल में बनेगा अच्छे से लच्छा पराठा। अब इसको हम इसको जो मैंने मैदे और देसी घी को मिलाया था इसको हम पूरे में लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ऐसे करके हम इसको दबा दबा के अच्छे से फोल्ड करेंगे। अच्छा लग रहा है। इसको हम ऐसे दबा के फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। ये एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए राउंड राउंड फोल्ड हो गया है। अब इसको हम प्रेस करेंगे दबाएंगे थोड़ा। छोटे पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे ऐसे करके। हम ऐसे दबा लेंगे प्रेस कर लेंगे क्योंकि ये 2 एक ही पराठा बनेगा। छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे। ऐसे बेलेंगे अच्छे से। ये अच्छे से हम बेलेंगे। ये मेरा एक हो गया और ये दूसरा भी हम ऐसे ही बेलेंगे। इसको हम अच्छे से ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ये। उसके बाद हम ये जो मैंने आलू का ढोल बनाया था इसको हम रखेंगे और किनारे किनारे जगह छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और इसको किनारे से ऐसे हम दबा लेंगे ताकि हमारा ये निकले मत। और इसको हम अब अच्छे से बेल लेंगे। बस हो गया, ठीक है हमारा अच्छे से हो गया। अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे हल्के हल्के हाथ से। ये मैंने लच्छा पराठे को तवे पे डाल दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका था। अब इसको हम एक तरफ होने देंगे। ये मैंने पलट दिया है। अब इसको हम एक साइड घी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे लेकिन अच्छे से ताकि हमारा पराठा अच्छे से पक जाए। मैंने पलट के दूसरी तरफ भी ये मैंने घी लगा दिया। मैंने सेक उसे भी पलट दिया। ये हमारा पराठा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मेरा लच्छा पराठा एकदम क्रंची एकदम सॉफ्ट। और ये हमारा राइस जीरा राइस और ये हमारा टमाटर आलू का सब्जी।
ये हमारा रात का डिनर तैयार हो गया। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप हमारे वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मुझसे भूल चुक हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं वीडियो को एंड करके आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, बाय। और आप हमेशा खुश रहिए।